वो तबाही का मंजर, वो टूटती उम्मीद है, वो कुदरत का प्रकोप। वो किसानों की बर्बादी की कहानी, वो कुदरत का गुस्सा। ओलावृष्टि और भारी बारिश के साथ तूफानों ने किसानों की इस बार कमर ही तोड़ दी। कई जगह सिर्फ ओले ही ओले दिखे, ओलों की चादरों से फसलें बिछ गई। यह मंजर और यह तबाही की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के सागर जिले और बुंदेलखंड से है, जहां सागर के बीना जयसिंहनगर के साथ मुगावली और ललितपुर की यह तस्वीर है, जहां कई गांव के किसानों की रबी की फसलें चौपट और तबाह हो गई। तारीख है और मंजर दुरुस्त रखें तो इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहां किसान कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि और ओले ही ओलों से बर्बाद होता रहा है। सागर के जयसिंहनगर, देवरी, खुरई, केसली, बीना में तबाही का मंजर देखने को मिला है। ओला ही ओला यहां देखने को मिला है। किसान की मसूर, चना और गेहूं की फसल तबाह हो। सरकार और प्रशासन सर्वे करा रहा है, लेकिन आखिर कब तक ऐसी तबाही पर सरकार मलहम लगाती रहेगी और किसान बर्बाद होता रहेगा। इसमें सरकारों की गलती भले ना हो, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में किसानों को सबसे आगे किया जाना चाहिए, उन्हीं को लेके बजट बनना चाहिए। किसान रहेगा तो देश रहेगा, किसान बर्बाद होगा तो देश भी बर्बाद होगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला, तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर।